हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं मुंबई, मुंबई का मोस्ट फेमस बड़े मियाँ। तो ये बड़े मियाँ जो है 1946 से है। तो हमने बहुत बहुत सुना था कि बड़े मियाँ में जाइए, मटन सीख कबाब खाइए, एंड मटन इज़ माय फेवरेट। तो आज हम आए हैं बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करने, एंड सारी चीज़ों का मैं आपको रिव्यू दूंगी कि हाउ इट इज़। अगर आप बड़े मियाँ आ रहे हो तो क्या क्या चीज़ें खाने चाहिए, क्या क्या चीज़ें टेस्ट करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। तो ये बेसिकली एक फूड जॉइंट है, ठीक है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये दिस इज़ द नॉन वेज सेंटर, एंड उसी के बाजू में आपको वेज का सेंटर भी मिल जाएगा। तो मैं हूँ नॉन वेज, बट हमने कुछ वेज चीज़ें भी ऑर्डर किया है। मेरे साथ ये जो दोस्त है हमारे, वो वेजिटेरियन है। तो गाइज, यहाँ पे आ चुका है हमारा खाना, और हमने मंगाया है पनीर टिक्का, पनीर भुर्जी वेज वालों के लिए, एंड मटन वेजा फ्राई, एंड ये आ जाता है हमारा मोस्ट फेमस मटन सीख कबाब। स्मेल से ही बाप रे बाप, इतना ज़्यादा भूख लगने लगा है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ बड़े मियाँ हैं, ठीक उसके सामने आपको बैठने के लिए रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ पे खाना बनता है वो एक छोटा सा जॉइंट ही है, बट बैठने के लिए सामने रेस्टोरेंट भी दे रखा है। बट अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो फिर गाड़ी पार्क करने का भी यहाँ पे जगह है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है यहाँ पे कि आप गाड़ी यहाँ पे ऐसे पार्क कर सकते हो, एंड आप देख सकते हो भैया ने कितना अच्छा इंतज़ाम करके गए हैं। यहाँ पे एक बॉटल लगा दिया और हमारे बोनेट के ऊपर ही सारा खाना आ गया। तो अभी हम खाने पे फोकस करते हैं। अभी मैं टेस्ट करने चली हूँ मटन सीख कबाब, देखते हैं मटन सीख कबाब कैसा है। भाई देखने में तो बहुत ही लाजवाब लग रहा है, और खाने में देखते हैं कैसा है। अंदर से पिंक है एंड काफ़ी सॉफ्ट है। टेस्ट में बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा। अभी इसके साथ साथ हमने लिया था मटन भेजा फ्राई। तो बेसिकली ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, मैंने पहली बार यहाँ पे ऑर्डर किया है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। जिसके साथ मैंने लिया है रुमाली रोटी। तो रुमाली रोटी के साथ हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं
मटन भेजा फ्राई कैसा है। बहुत ही सही टेस्ट, बहुत ही अच्छा टेस्ट। वेज वाला कैसा टेस्ट है? सोमू गुस्सा मत होना, तुम्हारा खाना खा रही हूँ, बट कोई बात नहीं, रिव्यू के लिए बनता है। ये है हमारा पनीर भुर्जी, जो कि हम रुमाली रोटी के साथ टेस्ट कर रहे हैं। ओके ओके, इतना भी अच्छा नहीं लगा। अब भी मटन खाया, मटन के सामने पनीर, और ये हमने ऑर्डर किया था पनीर टिक्का, जो कि बहुत ही अच्छे से इसको भुना हुआ है, आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, एंड मसाला भी बहुत अच्छे से लगाया हुआ है। टेस्ट भी करके देखते हैं कैसा है पनीर। पनीर भुर्जी से पनीर टिक्का बहुत अच्छा था, और टिक्का में बहुत अच्छे से मसाला भी लगाया हुआ है, तो बहुत ही टेस्टी था। अभी खाना पीना होने के बाद हमने एंड में ऑर्डर किया था ये रबड़ी डेजर्ट में। टेस्ट करके देखते हैं रबड़ी कैसी है। मुझे तो पर्सनली रबड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ, तो उड़ीसा वालों को रबड़ी हमेशा ही पसंद होता है। ये भी चख के देखते हैं, पहले इसको अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि ऊपर मलाई जम गई थी, और उसके बाद टेस्ट करेंगे। Cheers. थोड़ी और ठंडी होती तो ज्यादा अच्छी लगती। वैसे टेस्ट में अच्छा है, ज्यादा मीठा भी नहीं है। मुझे थोड़ी और मीठी रबड़ी ज्यादा पसंद है, बट ठीक है, कॉस्ट वाइज ठीक है, 120 रुपए की रबड़ी थी, अच्छा है, आप ऑर्डर कर सकते हो आपके। और हम खाना पीना खा के यहाँ से निकल रहे हैं। गाइस आप देख सकते हो शाम होते होते कितनी ज्यादा भीड़ लग जाती है यहाँ पे। तो गाइस आज का खाना खा के आत्मा एकदम तृप्त हो गई है, और आज का व्लॉग यहीं पे हम खत्म करते हैं। तो गाइस अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय।